नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के सिहारा की, जहां निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रोगियों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर स्वास्थ्य सेवा प्रदान की गई। आपको बता दें कि मदरसा खैरुल उलूम की ओर से एक निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बाल रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, जनरल फिजिशियन आदि चिकित्सकों ने महिलाओं, पुरुष व बच्चों सहित 300 से अधिक रोगियों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर दवाइयां दी। इस मौके पर मौलाना अरशद नदवी ने बताया कि हमारी संस्था का उद्देश्य नफरत की आग बुझाओ, प्रेम और भाईचारा बढ़ाओ है, जिसके तहत ही मदरसे की ओर से जरूरतमंदों के लिए समय समय पर चिकित्सा शिविर के साथ अन्य सामाजिक कार्य किए जाते हैं, ताकि किसी भी इंसान को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और अच्छे डॉक्टरों को नहीं दिखा पाते तो बेचारे यहाँ दिखा लें, और यहाँ हमने बाहर के डॉक्टरों का भी इंतजाम किया है, और बच्चों के डॉक्टर भी हैं, दांतों के डॉक्टर भी हैं, सब तरह के डॉक्टर हैं। क्या कहाँ कहाँ से आए हैं डॉक्टर? से मुरादाबाद से, शरीफ नगर से, और कुछ यहाँ हमारे लोगों के भी डॉक्टर हैं, उन्होंने चारों तरफ का साथ दिया है। किस किस चीज़ का इलाज करेंगे? ये बच्चों के डॉक्टर हैं, आँखों के डॉक्टर हैं, और जनरल फिजिशियन है, लेडीज डॉक्टर भी। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला, इंजीनियर फैजल, हसीन सलमानी, मोहम्मद अशरफ, आमिर आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।